कि आप सभी स्टूडेंट्स के जो असाइनमेंट के वर्क हैं फर्स्ट सेमेस्टर ऑल स्टूडेंट्स के, आपको असाइनमेंट्स कैसे बनाना है, ठीक है, सारे टिप्स मैं इस वीडियो में आपको शेयर करने वाला हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैंने बनाया है, ठीक है। और इस वीडियो में हम जानेंगे इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में और एक अच्छा असाइनमेंट जो है किस तरीके से बनाएं। आप असाइनमेंट इस तरीके से बनाएं ताकि कॉलेज का प्रोफेसर जो है वो देखते ही भाई आपको असाइनमेंट में जो है वो 25 out of 24 या 23rd नंबर आपको, यानी कि जो गुड मार्क्स होते हैं वो आपको मिल जाए, ठीक है। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले जो टिप है वो है असाइनमेंट डेट्स फॉर सबमिट के ऊपर, यानी कि आप सभी स्टूडेंट्स को जब असाइनमेंट का डेट मिल जाएगा, ठीक है, कई प्रोफेसर ने दे दिया होगा कि भाई इस ये जो है आपका लास्ट टाइम है, लास्ट डेट है, इस डेट से जो है आगे आपको असाइनमेंट जो है वो सबमिट नहीं करूंगा, तो उससे पहले पहले आपको असाइनमेंट सबमिट करना है। कैसे सबमिट करना है, तो आप सभी स्टूडेंट्स को ईमेल के जरिए या फिर गूगल क्लासरूम का पर जो है आप सभी स्टूडेंट्स का असाइनमेंट सबमिट होगा। एंड इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ख्याल रखनी है, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, ठीक है, तो आपको जो डेट है उससे 1-2 दिन पहले जो है आपको सबमिट करना पड़ेगा अपना असाइनमेंट, ठीक है, तभी आपको एक अच्छा जो असाइनमेंट मार्क्स जो होता है वो असाइनमेंट में मिल पाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि असाइनमेंट डेट्स का जो है आप भूलिएगा नहीं। एंड जो भी डेट्स होगी, लास्ट डेट ऑफ सबमिट उसे 1 दिन पहले या उस डेट को ही आपको पक्का सबमिट कर देना है, ठीक है। टिप नंबर 2 पे आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। टिप नंबर 2 है वर्ड लिमिट। जब भी आप अपने असाइनमेंट्स लिखेंगे तो उसके अंदर वर्ड लिमिट आपका होना चाहिए, और अगर चाहें तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, आपका वर्ड लिमिट के साथ साथ में आप जो है पेज लिमिट भी लिख सकते हैं, रख सकते हैं। तो वर्ड लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, वर्ड लिमिट के हिसाब से ही आप सभी स्टूडेंट्स अपना असाइनमेंट को बनाइएगा, ताकि प्रोफेसर को चेक करते वक्त में जो फालतू के जो वर्ड्स होते हैं उसको देखने को ना मिले। एंड जो एक हम पैराग्राफ्स लिख देते हैं, जो कहानियां लिख देते हैं, वो कहानियां ना लिखें बल्कि टॉपिक टू टॉपिक उसको हम डिफाइन करते चले, तो इस तरीके से अपना असाइनमेंट बनाए, ज्यादा लेंदी ना रहे बल्कि शॉर्ट में रहे और बहुत अच्छा रहे और दिखने में भी अच्छा रहे। तो इस हिसाब से आप अपना वर्ड लिमिट भी रख सकते हैं, ठीक है। वर्ड लिमिट आपके मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने मार्क्स जो है वो चाहिए। थर्ड पॉइंट पे हम बात करते हैं, थर्ड पॉइंट आता है हमारा अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। तो असाइनमेंट बनाने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको असाइनमेंट का जो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन मिला है, तो आपको पता होना चाहिए। एंड जब पता रहेगा तभी आप असाइनमेंट्स को अच्छा से कर पाएंगे। असाइनमेंट में जो क्वेश्चंस होते हैं वो 20 मार्क्स के होते हैं, 10 मार्क्स के होते हैं। तो 10 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को क्या करना होता है, 2 असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं। एंड जो 20 मार्क्स का होता है एक असाइनमेंट तो होता है, तो जो लेंथी जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है जो 20 मार्क्स का होता है उसके अंदर 3 से 4 क्वेश्चन जो दिए होते हैं, तो आपको क्वेश्चंस को समझना होता है कि भाई इस असाइनमेंट में, इस क्वेश्चन में हमें कितने सारे जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं। एंड जो मान लीजिए 10 मार्क्स का 2 असाइनमेंट है, तो उसके अंदर 2 ही क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन होगा, भाग अलग अलग होंगे, एक में इंट्रोडक्शन का पार्ट कुछ अलग होगा एंड डेफिनेशन का पार्ट कुछ अलग होगा। एंड जो बहुत सारे जो वो होते हैं रिसर्चर्स एंड मान लीजिए कि पुरातत्वविद, उनके बातें हमें लिखनी पड़ती है, तो वो सब चीजें कि उन सभी चीजों को मिलाकर जो है आप सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि भाई इस क्वेश्चन के अंदर हम एक अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है एंड क्वेश्चन की डिमांड क्या है, पूछा क्या जा रहा है आंसर में, एंड हम आंसर किस तरीके से लिखेंगे। तो ये सारे ये एग्जीक्यूटिव जब आप प्लानिंग करेंगे असाइनमेंट में, तब ये आप सभी स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, क्वेश्चन को पूरे अच्छे तरीके से समझना होगा अगर आपको असाइनमेंट में अच्छे मार्क्स चाहिए तो, ठीक है। टिप नंबर 4 पे आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। तो इसको लिखने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स, भूमिका हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, इफ यू आर इंग्लिश मीडियम, सो आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन लिखना बहुत जरूरी होता है, क्वेश्चन के हिसाब से आप अपना इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। एंड कंक्लूजन जो होता है यानी कि निष्कर्ष, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए निष्कर्ष बोलते हैं इसको, तो निष्कर्ष भी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी होता है। निष्कर्ष से एटलीस्ट जब प्रोफेसर या हमारे जो टीचर होते हैं वो चेक कर रहे होते हैं हमारे असाइनमेंट्स, तो निष्कर्ष पढ़ने से एक उनको जो है डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है कि हाँ एग्जैक्ट हमने पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर, एंड
स्टूडेंट ने डिफाइन किया, किस चीज को डिफाइन किया है, क्या क्या टॉपिक्स लिखे हैं। तो कंक्लूजन एंड इंट्रोडक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स हु आर मेकिंग असाइनमेंट्स फॉर गुड क्वालिटी मार्क्स। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टिप नंबर 4 पे आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है। टॉपिक्स टू टॉपिक्स रिसर्च आपको करनी है। एंड कई स्टूडेंट्स में क्या करते हैं भाई, वेबसाइट पे उसको क्वेश्चन को डाला, आंसर आ गया, वही आंसर का टिप दिया। तो आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि आपके जो प्रोफेसर होते हैं भाई, वो वेल क्वालिफाइड होते हैं, सारी चीज़ें उनको पता होती है, एक एक लाइन जो है वो पता कर लेते हैं कि ये कहाँ से लिया गया है, ये कहाँ से वेबसाइट पर लिया गया है। तो ये ऐसा ना करें, कोशिश करें अपने थ्रू बनाने की, एंड उसमें कोशिश करें कि कुछ तर्कसमता एंड जो कुछ मटेरियल है वो अपनी तरफ से डालें। तो अपनी तरफ से जो डाला हुआ मटेरियल होगा आप सभी स्टूडेंट्स का, वो बहुत रिसेंट वैल्यूएबल होगा, ठीक है, और जिसके बेस पर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो टॉपिक्स टू टॉपिक एक बार रिसर्च कर लो अच्छे से। रिसर्च करने के बाद जो बुक्स में उसकी जो क्वाइट्स हैं एंड जो बुक्स में वो चीज़ें लिखी गई है उसको देख लो, पढ़ लो, फिर कुछ नोट्स बना लो, उस नोट्स को फिर अंडरलाइन करके इन कुछ नोट्स के जरिए, कुछ रिसर्च के जरिए एंड कुछ बुक्स के जरिए वो सारी चीज़ें मिलाकर जो है अपनी तरफ से उसको आंसर बनाकर लिख दो, टेपने से तो अच्छा ही रहेगा। एंड देन कुछ चीज़ें वेबसाइट से उठा लो। तो ये सारी चीज़ें रिसर्च का काम होता है। तो रिसर्च के अंदर आपको ये सारी चीज़ें लिख कर करना करेंगे जब आप, तो आपका असाइनमेंट का जो है क्वालिटी बहुत ही बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये 5 टिप्स आपको अच्छे रहे होंगे। एंड 2 टिप्स और हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। ठीक है, टिप नंबर 6 है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड हाइलाइट्स को करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है ये कि कई स्टूडेंट्स लिख कर छोड़ देते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लिख रहे हैं तो उसको हाईलाइट कर दीजिए, एंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हाईलाइट कर दीजिए। इससे क्या होगा, प्रोफेसर का डायरेक्टली आपके स्टूडेंट्स के असाइनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा कि हाँ ये टॉपिक्स हैं, अगर ये हम क्वेश्चन दे रहे हैं तो इसके बेस पर ये आंसर स्टूडेंट ने लिखा है, तो काफ़ी बेटर आपको मार्क्स मिलने के चांसेस हो जाएंगे इस परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, टिप नंबर 7 पे आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब टिप्स है। टॉपिक टू टॉपिक आपको डिफाइन करना है एंड राइट द आंसर, फिर आपको जो है अपना आंसर अच्छे से लिखना है। टॉपिक पहले डिफाइन कर लो, फिर उसकी डेफिनेशंस वगैरह एंड जो भी उसकी परिभाषाएं दी गई होती है उस टॉपिक के अकॉर्डिंग वो लिख लो, मतलब बेसिक चीजें पहले लिख लो एंड देन फिर उसको परिभाषित करो, परिभाषा लिख कर फिर परिभाषित करो, तो ये एक बेटर वे में आपका असाइनमेंट बन जाएगा। एंड आई होप, मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सभी स्टूडेंट्स को ये सारे के सारे टिप्स अच्छे लगे होंगे, एंड इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं। आई होप कि ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको किस तरीके से असाइनमेंट बनाना है, एक पूरा एक फॉर्मेट अच्छे से आपको पता चल गया होगा। एंड कई स्टूडेंट्स की क्वेरीज होती है कि भैया हम अपने असाइनमेंट में नाम, रोल नंबर ये वगैरह इसका फॉर्मेट कैसे लिखे, तो उसमें कुछ नहीं लिखना होता है। बेसिकली आप सभी स्टूडेंट्स को उसमें नाम, क्लास रोल नंबर एंड अपना ईमेल वगैरह जो है वो एड्रेस लिखना पड़ता है। मान लीजिए कि आपने पीडीएफ डाला है एंड एक ही पेज जो है वो प्रोफेसर के पास पहुंचा है, तो आपकी ईमेल के जरिए आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा या फिर रोल नंबर के थ्रू पता कर लिया जाएगा। तो अपनी जो बेसिक डिटेल्स है वो लिखिए, जैसे कि आपका कोर्स सेमेस्टर, मतलब कि कोर्स है सेमेस्टर, ठीक, उसके बाद अपना ईमेल, रोल नंबर, ये एटसेट्रा जो बेसिक चीज़ें होती हैं अबाउट स्टूडेंट, वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को लाइक कर देना, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर, ठीक है, आपका भाई जरूर आपके लिए हेल्प करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।